नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। देश और दुनिया में युवाओं ने बड़े सारे चमत्कार किए हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ युवा उस विजन को, उस सोच को साकार कर देते हैं। आज बात ऐसे ही एक युवा अफसर की, जो कहने को आप उसे आप कह सकते हैं कि वो गुदड़ी का लाल है, क्योंकि वो एक सामान्य परिवार पृष्ठभूमि से आया है और देश की सर्वोच्च सेवा में आने के बाद उसने अपनी सोच से कबाड़ को भी सुंदरता में बदल दिया है। बात आज उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ की हो रही है, जहां के नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने एक चमत्कार कर दिखाया है। उन्होंने कबाड़ से शहर को सुंदर बनाने की एक योजना शुरू की है, जिसका साकार रूप अब लोगों को दिखने लगा है। अमित पाल शर्मा 2016 बैच के IAS अफसर हैं। वो पहले पेशे से डॉक्टर रहे हैं, MBBS रहे हैं, पंजाब लुधियाना के वो रहने वाले हैं, सामान्य परिवार के हैं, गरीबी भी करीब से देखी है। लेकिन IAS बनने के बाद नौकरी के शुरुआती दौर में जो प्रयोग उन्होंने किया, वो उनको राष्ट्रीय फलक पर इस समय चर्चा दिला रहा है, लोगों का ध्यान इस ओर खींचता है। एक तरह के नए इनोवेशन के लिए भी अमित पाल शर्मा आने वाले दिनों में लोगों की निगाह में रहेंगे। मेरठ में अमित पाल शर्मा ने कबाड़ यानी स्क्रैप, लोहे के स्क्रैप से वहाँ पर किताबों के पेड़ बनवा दिए हैं। आप इसे आयरन ट्री भी कह सकते हैं, लेकिन चर्चा मेरठ में बुक ट्री के नाम से है। क्योंकि मेरठ का जो शहर रहा है, वो किताबों के प्रकाशन से काफ़ी जुड़ा रहा है। बहुत बड़ा किताबों की छपाई का काम होता रहा है, बड़े बड़े साहित्यकारों की जगह रही है, एक बड़ा शहर के रूप में वो चिन्हित रहा है। अमित पाल शर्मा IAS अफसर है, इसी से उन्होंने आइडिया भी लिया और इसके नाते उन्होंने शहर में कई जगहों पर किताबों के पेड़ बनवाकर खड़े कर दिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किताबों के पेड़ जो हैं, वो लोहे के हैं, स्क्रैप के कबाड़ से बने हुए हैं, जिससे कि इन पर अब तो ना तो धूप का असर होता है, ना पानी का असर होता है, ना आंधी तूफान का कोई असर होता है, ये खड़े रहते हैं। सबसे पहला जो पेड़ लगा वो मेरठ के इब्ज चौराहे पर लगाया गया। दूसरा जो बुक ट्री लगा है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में लगा है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में छात्र आते और जाते हैं। अमित पाल का किताबों के प्रति एक प्रेम तो है, लेकिन जब आज के ज़माने में जहाँ साफ सफाई, बजबजाती हुई नालियाँ, गंदगी, बिजली, पानी, इन सब के इतर अफसरों को समय नहीं मिल पाता कि कोई वो ऐसा प्रेरक काम करें, लेकिन अमित ने ये काम बाखूबी किया है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यानाकर्षण की एक सूचना है, क्योंकि एक अफसर अपनी शुरुआती नौकरी में अगर कुछ अभिनव प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित ही वो नए इनोवेशन को जन्म दे रहा है और सरकार की नज़रों में भी देर सवेर ये बात आएगी। अमित पाल खाली किताब का पेड़ लगवाने के मामले में ही चर्चा में नहीं है। वो एक नौजवान अफसर हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और उनके अंदर अहंकार नहीं है। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब महापौर ने मेरठ में कर्मचारियों को लठैत कह दिया। इसके बाद नगर निगम में बवाल मच गया, हड़ताल शुरू हो गई, लेकिन अमित पाल शर्मा जैसे नौजवान अफसर ने वहां पहुंचकर मामला अपने हाथ में ले लिया और कर्मचारियों के पक्ष में खड़े हो गए, जिसके चलते पूरा मामला शांत हो गया। अब वो बुक ट्री लगवाने को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बुक ट्री पर न बारिश न धूल, आप सब जानते ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बुक ट्री दिन में तो आपको देखने में सामान्य लगेगा, कोई अर्थशास्त्र की किताब लिखी हुई है, कोई जीव विज्ञान है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, चौराहे पर किताब का एक पेड़ खड़ा है। लेकिन जब आप रात में इससे गुजरिए, तब आपको लाइटों से जगमगाता हुआ पेड़ बेहद आकर्षक लगेगा। चौराहे की खूबसूरती का वो एहसास कराता है, उस सोच का भी कराता है
जिसने कबाड़ से ऐसी सुंदर कलाकृतियां बनाई हैं। और महत्वपूर्ण भी ये है कि इन कलाकृतियों पर बेहद कम पैसा खर्चा आता है। तो आप सोचिए कि कबाड़ से हुनरमंद बनाकर, शहर को सुंदर बनाकर कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। ये एक अपने आप में वानगी है, उदाहरण है। अमित भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी प्रभावित हैं और उनके जो आह्वान था कि कबाड़ के जुगाड़ के जो नारा था उससे उन्होंने इसकी प्रेरणा ली है। एक नौजवान अफसर जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अभी शुरुआती दौर में है, वो आगे चलकर जिले में DM भी बनेंगे, वो शासन में प्रमुख सचिव लेवल और चीफ सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर उनको प्रोत्साहन मिला, अगर उनके काम को लोगों ने और सरकार ने सराहा, तो निश्चित है कि जिस जगह भी वो जाएंगे एक नई रोशनी बिखेरेंगे। तो अमित पाल शर्मा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो इस प्रदेश में सरकार का बिना एक रुपया खर्च किए अगर शहरों को सुंदर वातावरण दे रहे हैं, अच्छी साफ सफाई दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है।